आज हम जो पूरी बनाएंगे, मसाला पूरी देख सकते हैं, इसे बिना तेल के बिना मोयन डाले हम बनाएंगे। और इसको देख सकते हैं तेल में डालते हैं, ये अपने आप फूल के ऊपर की ओर आ जाएगी बिना कलछी लगाए, किसी चीज़ की हेल्प से ऑटोमेटिक फूल जाएगी बिना तेल एब्जॉर्ब किए। अंदर देख सकते हैं बिल्कुल कोई ऑयल नहीं है। एक बार ज़रूर बनाइए, झटपट से बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी पूड़ी हम बनाएंगे आज, खास्ता पूड़ी बनाएंगे। ये देख सकते हैं ठंडा होने के बाद भी यहाँ फूली हुई है ये। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मसाला पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा लिया है, साथ में हम यहाँ पे सूजी लेंगे। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मली मोटी वाली सूजी आती है उसे मैं लिए हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी आटा में आप आधी कटोरी से कम यहाँ पे सूजी लेंगे। तो दोनों का हम बड़े से बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम सूजी को भी इसमें डाल देंगे आराम से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें डालना है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं मंगरेल और अजवाइन। आप चाहे तो सिर्फ अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मंगरेल का भी कर रही हूँ। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक यहाँ पे डाल दें। और यहाँ पे कसूरी मेथी, तो यहाँ पे देखिए कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से हाथ से क्रश कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट हम इसमें डालेंगे वो है हल्दी। तो यहाँ पर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालें। उसके बाद साथ में हम डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, तो इससे कलर भी थोड़ा सा आ जाएगा और साथ में हल्का सा तीखापन। तो इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। तो चम्मच की सहायता से यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं इसको। आप चाहें तो इसमें तेल डाल सकते हैं, मगर मैं इसको आज बिना तेल के एकदम खास्ता बना के पूरी दिखाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं साथ में हम इसको पानी लगा के अच्छे से हम इसका एक टाइट डोर लगा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैं इसका आटा गूंद ली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार है। इसको हम देंगे 20 मिनट का रेस्ट। तो यहाँ पे रेस्ट हो चुका है। रेस्ट होने के बाद इसको हम हल्का सा और मसल लेंगे। देख सकते हैं आटा काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो इस तरीके से अभी टाइट आटा लगा ले। साथ में हमने इसकी लोइयाँ तोड़ ली है, इसको बेल भी लिया है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेल चुकी है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने तेल लिया है, यहाँ तेल चेक कर रहे हैं। तेल गर्म होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए। पूड़ियों के लिए तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी पूड़ियाँ अच्छे से फूली फूली बाहर आती है। तो आप देखिएगा बिना कलछी लगाए यहाँ पर मेरी पूड़ी ऑटोमेटिक बाहर आएगी फूल फूल के। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर की ओर आ चुकी है और साथ में ये फूल भी रही है और एक पूरी तरीके से एकदम बलून जैसा शेप ले लेगी। तो यहाँ देखिए ये मेरा पूरी जो है अच्छा खासा फूल के तैयार है। साथ में ये हो चुका है लाल, एकदम काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी है, देखने से ही पता चल रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से ये भी देख सकते हैं ऑटोमेटिक ऊपर आ गई है और साथ में ये देखिए कितनी फुली फुली बनी है। तो यहाँ देखिए मेरी दूसरी पूड़ी भी बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को अच्छे से निकाल लेंगे और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरीके की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोग तक ला सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ जितनी बनाई थी इन सबको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फुली हुई है, अभी तक फुली हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनती है यहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और साथ ही हेल्दी है क्योंकि यहाँ पर तेल कम लगा है। तो थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग।